ओके मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करें क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आप लोगों के चैप्टर नंबर 19 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. ठीक है, फ्रॉम इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द किडनी फंक्शनिंग. हम लोग किडनी की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ चुके थे कि किडनी की फंक्शनिंग में किस तरीके से फंक्शंस होते हैं. क्लियर है? एंड हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरल ट्यूब्स आर फंक्शनिंग इन द यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर किस तरीके से आप लोगों के जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वो काम करती है. लेकिन ठीक है, काम करना तो अलग बात होती है, बट उस काम को कंट्रोल कौन कर रहा है, उस काम को कंट्रोल कौन कर रहा है. क्लियर है? तो हम इस लेक्चर के अंदर आज के पढ़ने वाले हैं ये. अब सुनिएगा मेरी बात, ये क्या सिस्टम है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. ठीक है, बेसिकली आप लोगों की बॉडी के अंदर जो किडनी की फंक्शनिंग है मेजरली, वो तीन लोग जो है, तीन ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, किडनी की फंक्शनिंग को प्रमोट करते हैं, फिर उसको रेगुलेट करते हैं. नंबर वन हाइपोथैलेमस, सेकंड है जीजीएलआरएस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, रेनिन एंजियोटेंसिन एंड्रोजेस्टेरोन सिस्टम. क्लियर? फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जेजी का फुल फॉर्म है ये. ठीक है, एंड रास स्टैंड फॉर रेनिन, ये एंजाइम है बेटा ये जो किडनी के कॉर्टेक्स से निकलता है. आप लोगों का एंजियोटेंसिन ये आप लोगों की जेजी सेल्स जो है निकालती है लिवर की, एनजीओ टेंशन. ठीक है, और आप लोगों का एएस होता है एडिनल या एल्डोस्टेरोन सिस्टम. क्लियर है? ये आप लोगों का रास का फुल फॉर्म है. ठीक है, एंड थर्ड वन इज दैट थर्ड, यहां पर आप लोगों का जो मेजर फंक्शन है बेटा आप लोगों का हाइपोथैलेमस का और जेजी. क्लियर है? हार्ट जो इट्स लिमिटेड अमाउंट में फंक्शन करता है. क्लियर है? जब हार्ट फंक्शन कर रहा है तो इट इज क्वाइट ओके. अब सुनिएगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज नोन एज हेडमास्टर ग्लैंड, वी नो दैट, हम लोग इसको जानते हैं, क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये क्या करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग को यानी कि उसके हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करती है. क्लियर है? एंड हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा आपकी बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, ऑस्मोरिसेप्टर्स का क्या काम है, दे डिटेक्ट द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं आप लोगों के ब्लड फ्लूइड को वॉल्यूम, BF3 ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं एंड एनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं. वी हैव डिस्कस अबाउट इट इन आवर यस्टरडेस टॉपिक, मतलब इसको हमारे कल के टॉपिक में एड कर चुके हैं. ठीक है, देन क्या है, जब हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, अब ये एक्टिवेट हो गए कहां, ठीक है, एक्टिवेट कब होगा, कंडीशन इज दैट, तो नंबर वन कंडीशन, व्हेनेवर वी आर फेसिंग द लॉस ऑफ फ्लूइड, यानी हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, आप लोगों का जो हाइपोथैलेमस है ये एक्टिवेट हो जाएगा. अब ये हाइपोथैलेमस के जो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने एक्टिवेट किया किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को. बेटा दो पार्ट होते हैं, देयर इज अ टू पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी इज अ लार्ज ग्लोबुल एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ स्मॉलर ग्लोबुल. ठीक है, जो आपके स्टॉक से लगा हुआ रहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपको डिटेल में पढ़ाएंगे. क्लियर है? अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज टू टाइप ऑफ हार्मोन, ADH एंड वैसोप्रेसिन. ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH स्टैंड फॉर एंटी, भाई एंटी जो है उसने बालों में डाई लगाई, डाययूरेटिक हार्मोन, और एंटी के बाद काले जी के बुरे हो गए. क्लियर? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड व्हिच इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन. अब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन काम क्या करता है, लॉस ऑफ फ्लूइड यानी कि ये प्रिवेंट ऑफ डायूरेसिस. लॉस ऑफ फ्लूइड मतलब जब बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर निकल रहा है. डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी आप लोग पानी नहीं पी रहे हो और हैंड टू हैंड आप लोगों को यूरिन आ रहा है, आप लोगों की किडनी जो है उस पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, यानी व्हेनेवर द रीअब्सॉर्प्शन रेट इज बीइंग डाउन, जब रीअब्सॉर्प्शन की रेट डाउन हो गई तो आप लोगों के ये हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं. क्लियर है? क्लियर है? अब हमें क्या करना है, उस रीअब्सॉर्प्शन की रेट को मेंटेन करना है, मेंटेन करना है. तो उसमें क्या होगा, ये जो ADH हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करेगा, इसकी रेट को इंक्रीज करेगा, जिससे आप लोगों का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब ब्लड जो उसका अमाउंट मेंटेन होने लगेगा. क्लियर है? क्लियर है? अब ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हुआ तो आप लोगों की जो एक्सेसिव यूरिनेशन कंडीशन है वो क्या कहलाती है, वो रुक जाती है. अच्छा, अभी हम लोगों ने पूरी बीमारी के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन इस बीमारी को आप लोग बोलते क्या, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिपिडस. वी नो दैट कि हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस रोग है इसको बोलते हैं. क्लियर है? हम लोग डायबिटीज के बारे में जानते हैं कि डायबिटीज इज यूजुअली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन. ऐसे ही आप लोगों का जो ADH और वैसोप्रेसिन हार्मोन है उसकी कमी से इंसिपिडस रोग होता है. यहाँ क्या है, आप लोगों की जो ब्लड प्रेशर है
ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, ब्लड की आप लोगों की कैपिलरीज है, जहां पर इसका बेटर वॉल्यूम इतना था, ठीक है, वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया डाउन हो जाएगा, और डाउन होगा तो उसके अंदर क्या होगा आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले इतने अमाउंट इतने जगह से ब्लड फ्लो हो रहा था, अब ब्लड फ्लो होगा केवल इतनी जगह से, तो हार्ट क्या करेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट करेगा, और प्रेशर जनरेट करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसमें क्या बीमारी होती है कि आप लोगों को यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में, अब यूरिन ज्यादा मात्रा में आ जाएगी तो दैट मींस यू हैव बेसिंग द एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास बहुत तेज मात्रा में लगेगी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास फॉस्फोरिसेप्टर्स होते हैं जो आप लोगों की बॉडी में जब लॉस ऑफ फर्टिलिटी कंडीशन आती है उस कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर अटैक करेगा और वहां से क्या होगा, ऑस्मोसेप्टर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर अटैक करेंगे, ये करते हैं एडीएच हार्मोन को रेगुलेट। एडीएच हार्मोन ने क्या किया कि डायूरेसिस की कंडीशन को क्या कर दिया, एक्सेसिव यूरेशन की कंडीशन को क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। सेकंड थिंग इज जीजीए रास, जीजी स्टैंड फॉर जिक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेपरेटस एंड रास स्टैंड फॉर ग्रेनिन एंजियोस्पेरम एंडोस्टियल सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जेजी जो है वो जेजी सेल्स जिक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स जो है बेटा आप लोगों के लिवर में, वो आप लोगों की कहां होती है, लिवर में, दीस सेल्स आर प्रेजेंट इन द लिवर, ये सेल्स आप लोगों की कहां है, लिवर में, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दैट कि किडनी से लिवर का कनेक्शन है, ठीक है, भूलना मत, लिवर और किडनी का कनेक्शन है। अब ये जेजी सेल्स जो है ये लिवर में है, लिवर से आई ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, और इन्होंने अपने हार्मोन को रिलीज किया, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, एंड इट इज अ प्रो फॉर्म। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं हार्मोन्स पढ़ा रहा था पेप्टिन और पैक्सिन वगैरह कि जब प्रो लग जाए, प्रो हार्मोन, प्रो मतलब रॉ मटेरियल या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म, प्रो मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म, इट इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एनजीओ टेंशन हार्मोन। अब इस एनजीओ टेंशन हार्मोन की इनएक्टिवेटेड फॉर्म, अब इनएक्टिवेटेड है कोई काम की नहीं, तो अब इस इनएक्टिवेटेड को वी नीड टू कन्वर्ट इट, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमारी जो ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन रेट है वो डाउन होने जा रही है, फिल्टर बहुत कम अमाउंट में निकल रहा है, तो गंदगी अंदर एक्यूमुलेट होती जा रही है, गंदगी अंदर ही रहती जा रही है। अब उस केस में हम लोगों को इसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के लिए क्या करता है, इस लिवर की मैन है किडनी का कॉर्टेक्स, ठीक है, ये किडनी का कॉर्टेक्स क्या करता है, ये अपनी रीनल वेन से रेनिन हार्मोन को रिलीज करता है। रेनिन क्या करेगा, रेनिन अटैक करता है इस इनएक्टिवेटेड एंजियोटेंसिन के ऊपर, इनएक्टिवेटेड एंजियोटेंसिन के ऊपर, एंड फर्दर एक्टिवेटेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में इसको एक्टिवेट कर दिया, क्लियर है। जैसे एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में एक्टिवेट किया, देन क्या होगा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इट रिलीज अ पॉजिटिव साइन, यानी कि ये अपना साइन रिलीज करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, ठीक है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, साइमल्टेनियसली पॉजिटिव सिंबल मिलते ही, साइमल्टेनियसली पॉजिटिव सिंबल मिलते ही आप लोगों के एंडोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर देगा, और एंडोस्टेरोन हार्मोन विल डायरेक्टली अटैक ऑन द डीसीटी, और डीसीटी में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि डीसीटी में जाने के बाद जो आप लोगों का हेल्दी लूप की डिसेंडिंग आर्म है उसमें और डीसीटी में आप लोगों का जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन है वो रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर है। और रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा तो दैट मींस क्या होगा, आप लोगों की जो जीएफआर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमारा मेन टारगेट क्या था कि जो डिक्रीज हुई जीएफआर है उसको बढ़ाना, क्लियर है। अच्छा, एक और बात, जो ये एआई हो, ए सेकंड है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये आप लोगों के डायरेक्टली ईसीटी पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब के ऊपर भी अटैक करता है बच्चों। ये क्या करेगा, ये वाटर और जो आप लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की कंडीशन को क्या करता है, दोनों के अब्सॉर्प्शन की रेट को बढ़ाता है, दैट मींस योर जीएफआर विल साइमल्टेनियसली इंक्रीज, क्लियर है। देन हम लोग हार्ट की बात करें, हार्ट जो है हार्ट का एक लिमिटेड फंक्शन है, जब ब्लड प्रेशर हाई है और ब्लड का वॉल्यूम भी हाई है, ब्लड प्रेशर हाई मतलब आप लोगों की जो कंडीशन है, यानी कि जो आप लोगों की ब्लड वेसल्स है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, जब ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम कम होगा देन साइमल्टेनियसली ब्लड प्रेशर हाई होगा ही होगा, ठीक है। बीपी जो है वो डाउन होगा तो बीपी अपने आप अप होगा, अब यहां पर ब्लड प्रेशर अप होगा, अप हुआ तो उस केस में क्या है कि एएनएफ एंटी नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करते हैं, वो डायलेशन को स्टॉप करते हैं और रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, कि यहां पर जो है इस कंडीशन में वो रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं हो रही वापस वो, लेकिन रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देंगे ताकि यहां पर जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जा सके, क्लियर है। इट इज कंप्लीटेड विद द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन।